नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। रीवा सीधी मार्ग मोहनिया टनल का केंद्रीय भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। बेजोड़ कारीगरी का अद्भुत नमूना माना जा रहा है मोहनिया टनल। रीवा सीधी मार्ग मोहनिया में टनल का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। बेजोड़ कारीगरी का अद्भुत नमूना इस टनल को माना जा सकता है। इंजीनियरिंग के जितने भी उच्च स्तरीय मापदंड वह सब यहां पर नजर आ रहे हैं। इस टनल के बनने के बाद आज से यह टनल जनता को समर्पित कर दी गई है। रीवा से सीधी जाने वाले यात्रियों को पहाड़ के घुमावदार रास्ते से छुटकारा मिलेगा, वहीं रीवा से सीधी की दूरी भी काफ़ी कम हो जाएगी। यह टनल अपनी निर्धारित समय सीमा से काफ़ी पहले ही बन गई। टनल के अंदर नज़र रखने के लिए उच्च स्तरीय इंतजाम भी किए गए। टनल का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शिवराज जी, माननीय मंत्री गोपाल जी, माननीय मंत्री विश्वास सिंह जी, मैं इस पर उपस्थित विशेष रूप से हमारे सांसद जनार्दन मिश्र जी, रीति पाठक जी, हमारे गणेश सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, राज्यसभा के सभी सांसदगण, सभी सम्मान्य अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहन, मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से ये काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हो रहा है, और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफी बड़ी विशेषता है और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनल में 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है। इसमें एलईडी सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है, और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं। और भारत का सबसे पहला एक्वाडक्ट ये यहाँ, जिसमें नीचे पे टनल है और ऊपर में बोले भारत माता की। इतना बड़ा काम करके नहीं किया है, ये सुरंग आने जाने की सुविधा तो देगी, लेकिन पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी सुरंग को भेजा मूल रीवा और सीधी में है। एक बार ताली बजा के स्वागत को बुला करिए। मन का इरादा कल्पना सी मस्तिष्क धनी, पता नहीं कहां से आइडिया आती है। हम मांगते हैं वो देते जाते हैं, उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान नितिन गडकरी जी, फिर एक बार दोनों हाथों पर उठा के तालियां बजा के स्वागत किया। आदरणीय गोपाल जी, मेरे सांसद साथीगण जनार्दन जी, रीति पाठक जी, अजय जी, गणेश जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।